हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर फ्रैक्शनल इक्वेशन आपको गिवन हो तो उस टाइप के इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मली इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तीन तरीके, एक तो आप तो इक्वेशंस को या तो फ्रैक्शंस के फॉर्म में, बेसिकली हमें करना क्या होता है, जो फ्रैक्शन वाला फॉर्म होता है जिसको हमें जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होता है उससे रिमूव करना होता है, तो इसको करने के लिए या तो हम पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ कर सकते हैं या टेलीस्कोपिक सम मेथड यूज़ कर सकते हैं या तो आप वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ करके इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो हम हर टाइप के एक एक प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपनी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या गिवन है, सॉल्व इक्वेशन एक्स प्लस सेवन अपॉन एक्स प्लस एट माइनस, यहाँ पे है आपका एक्स प्लस नाइन और माइनस एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस सिक्स एंड प्लस एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, आप ये देखो कि एक्स प्लस सेवन को हम क्या लिख सकते हैं। एक्स प्लस सेवन को हम लिख लिया एक्स प्लस एट माइनस वन और नीचे हमारा एक्स प्लस एट था, तो इससे क्या होगा कि ये एक्स प्लस एट और नीचे एक्स प्लस एट वो इजिली कट जाएगा, तो हमारा वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस नाइन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस नाइन। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस सिक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। और इस वाले इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस सेवन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सेवन इक्वल टू, अब ये जीरो के बराबर था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको अलग अलग करें तो एक्स प्लस एट अपॉन एक्स प्लस एट वो कट के वन आ जाएगा और फिर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस नाइन, ठीक है। एक्स प्लस नाइन अपॉन एक्स प्लस नाइन में ब्रेक कर दिया एक फ्रैक्शन और दूसरा फ्रैक्शन हमने किया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस नाइन, ठीक है। तो एक्स प्लस नाइन अपॉन एक्स प्लस नाइन कैंसिल आउट होगी, ये वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस नाइन बन गया। अब यहाँ पे आकर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स और ये आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सेवन, दिस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एट माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस नाइन, फिर माइनस वन वन अपॉन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स और ये हो जाएगा प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये वन माइनस वन, ये माइनस वन, ये प्लस वन, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे से बच जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस एट माइनस वन अपॉन एक्स प्लस नाइन, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सेवन। हमने इसको ट्रांसपोज कर लिया, तो अभी दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन एक्स प्लस सेवेंटी टू लेफ्ट में, और राइट में क्या जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस फोर्टी टू। हमने क्या किया, इनको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और इसको भी सब्ट्रैक्ट किया, तो एक्स प्लस एट एक्स प्लस नाइन का एलसीएम आपका ये हो गया और एक्स प्लस सिक्स और एक्स प्लस सेवन का एलसीएम ये हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आया। तो ये क्या इम्प्लाई कर गया, ये इम्प्लाई कर गया एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन एक्स प्लस सेवेंटी टू, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस फोर्टी टू, दिस इम्प्लाइज फोर एक्स इक्वल टू माइनस थर्टी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स इक्वल टू माइनस थर्टी अपॉन फोर विच इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन बाई टू। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस फिफ्टीन बाई टू। तो ये कैसी प्रॉब्लम थी जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया था। अब हम क्या करेंगे, एक और प्रॉब्लम करते हैं जिसमें कि हमने टेलीस्कोपिक मेथड का यूज़ किया है। तो चलिए करते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, द सेकेंड प्रॉब्लम। तो सेकेंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी एट इक्वल टू वन बाई फाइव। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको हमने लिख लिया वन अपॉन एक्स कॉमन ले लिया, तो ये हो गया वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस टू, इस तरीके से ये हो गया वन अपॉन एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस फोर। आप इसको फैक्टराइज कर लो, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तरीके से इस वाले को भी हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो वो आ जाएगा एक्स प्लस फोर और दूसरे में आ जाएगा एक्स प्लस सिक्स। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड दिस एक्स प्लस सिक्स एंड एक्स प्लस एट दिस इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव। तब ये देखो कि इसको आप सबने हमने क्या किया, सबको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे टू से डिवाइड हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस फोर
और ये हो गया x प्लस सिक्स और यहाँ पे आ जाएगा टू अपॉन x प्लस सिक्स एंड x प्लस एट, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव. दिस इम्प्लाइज तब ये क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन टू हो गया. अब इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू. ठीक है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट टू अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस टू. इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस फोर. ये बेसिकली आपका टेलीस्कोपिक का मतलब क्या हो गया कि आपको इस तरह से मैं ब्रेक करना है कि हमारे ऑल्टरनेट टर्म जो हो कैंसिल आउट होते जाए. इसी तरीके से थर्ड वाला क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन नीचे आ जाएगा एक्स प्लस सिक्स यहाँ पे. ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एट. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू वन बाई फाइव. एंड दिस इम्प्लाइज इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ से देखो कि वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये वन प्लस है तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इससे हो जाएगा. इस तरह से कैंसिल आउट होकर के हमारा सिर्फ बच जाएगा वन बाई टू और वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एट इक्वल टू वन बाई फाइव. यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल गया, वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एट इक्वल टू टू अपॉन फाइव. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस ट्वेंटी, दिस इज इक्वल टू जीरो. इसको हमने सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेके सब ट्रैक वगैरह कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी. अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस यू के टेन एक्स माइनस टू, सॉरी टेन एक्स माइनस टू एक्स माइनस ट्वेंटी, दिस इज इक्वल टू जीरो. यानी दिस इम्प्लाइज एक्स एक्स प्लस टेन माइनस टू एक्स प्लस टेन, दिस इज इक्वल टू जीरो. तो हमें से क्या मिल गया, हमें दिस इम्प्लाइज एक फैक्टर हमारा हो जाएगा एक्स माइनस टू, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका एक्स प्लस टू, दूसरे में आ जाएगा एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो. एंड दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस टेन और एक्स इक्वल टू टू. ठीक है, तो टू की वैल्यू या तो टू एक्स की वैल्यू या तो टू होगी या माइनस टेन होगी. अब करते हैं थर्ड प्रॉब्लम जिसमें कि हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है, उसको कन्वर्ट करके दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व किया है. तो करते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम. नाउ द थर्ड प्रॉब्लम, तो उसमें क्या क्वेश्चन गिवन है, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस टू एक्स प्लस फोर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू थ्री. इसको हमें सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो इसको करने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले आप ये देखो कि क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस, यहाँ से हमने टू कॉमन ले लिया तो ये हो गया टू इंटू एक्स प्लस टू अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू थ्री. ठीक है, लेट अब हमने ले लिया यू इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू. तो यहाँ से देखो तो पहला क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टू अपॉन यू हो जाएगा. ठीक है, ये वन अपॉन यू है तो आपका टू अपॉन यू इक्वल टू थ्री. तो ये क्या हो गया, यू स्क्वायर माइनस थ्री यू प्लस टू इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से इसको हमने फैक्टराइज किया तो एक ब्रैकेट में आ गया यू माइनस टू और दूसरा आ गया दिस इक्वल टू जीरो. तो हम दोनों कंडीशन ले लेते हैं. सबसे पहले हम ले लेते हैं वेन दिस इक्वल टू वन, यू इक्वल टू वन. तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से एक्स हमने निकाल लिया तो माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए वाला फॉर्मूला यूज करके तो जाएगा वन प्लस और माइनस वन प्लस एट अपॉन टू ए, यानी कि टू इंटू टू फोर हो जाएगा. यह आ जाएगा वन प्लस और माइनस थ्री बाई फोर. तो एक बार प्लस लिया तो वहाँ से हमें एक रूट मिल गया एक्स वन इक्वल टू वन, और दूसरा एक्स माइनस लिया तो उस केस में हमें दूसरा रूट मिल जाएगा एक्स टू इक्वल टू माइनस वन बाई टू. ठीक है, माइनस टू बाई फोर आएगा जो कि माइनस वन बाई टू हो गया. और दूसरा केस हमने ले लिया कि यू इक्वल टू टू है जब, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो. तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे जो दोनों रूट मिलेंगे आप देखना, एक्स थ्री इक्वल टू हमें मिल जाएगा वन बाई टू वन माइनस रूट सेवन, और दूसरा एक जो अगला रूट आएगा वो आएगा वन बाई टू वन प्लस रूट सेवन. ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रैक्शनल किसी भी फ्रैक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, या तो उसको पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, या तो आप टेलीस्कोपिक मेथड भी यूज कर सकते हो, या कोई किसी दूसरे वेरिएबल्स में भी कन्वर्ट करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.